नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज हौची 22 अगस्त 2020। सकाळर 20 बड़ खबर पाइपारे। प्रथमे जानिबे बेरोजगारी लोक को मिलिबो भर्ता टंका। मोदी सरकार कले बड़ घोषणा। ता सहित 2 नंबर अपडेट्रे ओडिशा पई आउ एक गौरवर खबर आसी। सहित 3 नंबर अपडेट्रे जानिपारे ओडिशा रु आज केते जन कोरोना आक्रांत रु सुस्थ होइकरी घर को फेरी। आपण जिलूर केते जन आज सुस्थ हले। सहित 4 नंबर अपडेट्रे देखिपारे मात्र 1 टंका मिलिबो गोल्ड सुना। ता सहित लास्ट नंबर अपडेट्रे देखिपारे वर्तमान बजार को आसिबो कोरोना टीका कहा को दिया जिबो प्रथमे। सेथिपई आपण को अनुरोध वीडियो टी स्किप जमा करंतुनी। जदि आपण वीडियो को स्किप करदेबे ताहले देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार विभिन्न जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर पाइपारे ना। आपण को भल पाइबा देबे वीडियो को लाइक करिबे। तळखिबा लाल कलर बटन टी टच करी सब्सक्राइब करिबे। पाखे बेल बटन टी टच करी ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे जहा द्वारा सकाळर सब खबर पाइपारिबा। सहित वीडियो टी शेष जाए निश्चय देखंतु। आज परवर्त खबर चीन नागरिक उपरे भिसा कटकणा लगाइला भारत। सूचना अनुसार बारंबार आलोचना सत्वे चीन सह बिवादर समाधान होउनथिबारु भारत सरकार चीन को नहीं अधिक सतर्क हो उठी। पूर्वरु चीन मोबाइल आप गुड़ी निषेध करने वर्तमान चीन नागरिक को दि जाऊ भिसा उपरे कटकणा लगाई केंद्र सरकार। यह सहित भारतीय विश्वविद्यालय गुड़िक सहित चीन सरकार संपर्क समीक्षा करा जिबो। रिपोर्ट अनुसार एणिकी चीन नागरिक व्यवसायी शिल्प विशेषज्ञ शिक्षावित मानकु भिसा जारी करा जिबा पूर्वरु सुरक्षा संपर्कित क्लीयरेंस आवश्यक पड़िबो। पूर्वरु एही नियम पाकिस्तान नागरिक पई लागू करा जाउथिला। फळरे भारत चीन मध्यरे युद्ध विवाद देखा जाउथिबारु चीन नागरिक उपरे भिसा कटकणा लगाइला भारत। परवर्ती खबर ओडिशा रे आज पुणी 1927 जन कोरोना आक्रांत रु सुस्थ होइकरी घर को फेरी। फळरे वर्तमान सुधा ओडिशा रे 50,000 रु अधिक लोक कोरोना रु सुस्थ होइ सालेनी। आपण को जिल्ला रु केते जन आज सुस्थ होइचंती जानि नियंतु। खोर्धा रु सर्वाधिक 246 जन, सेहिपरी गंजाम रु 190, नयागढ़ रु 151, रायगढ़ रु 146, सुंदरगढ़ रु 108, कंधमाल रु 101, ढेंकानाल रु 95 लोक सुस्थ होइचंती। अपर पक्ष रे मयूरभंज रु 88, कोरापुट रु 86, कटक रु 78, पुरी रु 77, बलांगीर रु 75, जाजपुर रु 74, बालेश्वर रु 70, मलकानगिरि जिल्ला रु 43 जन सुस्थ होइचंती। सेहिपरि नवरंगपुर रु 40, गजपति रु 34, जगतसिंहपुर रु 30, भद्रक रु 28, नुआपड़ा रु 27, कलाहांडि रु 21, संबलपुर रु 21 जन सुस्थ होइकरी घर को फेरी। जीरो परवर्ती खबर मोदी सरकार बड़ घोषणा एणिकी बेरोजगारी लोक को मिलिबो भर्ता टंका। सूचना अनुसार कोरोना संकट समय रे अधिकांश लोक चाकरी हरई सारेणी। दरमा न मिलिबा कारण कोटी कोटी लोक अनेक समस्यार सम्मुखीन होइछंती। एभली परिस्थिति रे केंद्र सरकार बेरोजगार पई एक उपहार आनिछंती। जदि कोरोना समय रे केही चाकरी हराए तेबे तांकु बेरोजगार भत्ता मिलिबो। तेबे जानंतु बेरोजगार भत्ता केउ मानकु मिलिबो, कारण एही योजनार लाभ नबाकु सेही मानकु मिलिबो जो माने वर्कर एप्लाई राज्य बीमा निगम ईएसआई अधीन पंजीकृत होइथिबे। बेकारी मानकु लाभ देबा पई ईएसआईसी द्वारा प्रचलित अटल बीमाभुक्त व्यक्ति कल्याण योजना को 30 जून 2021 पर्यंत बढ़ाई दि जाएगी। कहिबाकु गले जेऊ श्रमिक अति कम रे गत 2 वर्ष धरी ईएसआई योजना सहित जोड़ी रहिचंती सेमानकु बेरोजगारी भर्ता टंका दिया जिबो। सेथिपई बेरोजगारी भर्ता टंका सर्वाधिक 90 दिन पर्यंत मिलिबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करचंती। सेमाने 3 मास पई हाराहारी दरमार 50% बेरोजगारी भर्ता पाइबे। जो माने कोरोना समय रे चाकरी हराइचंती सेमानकु
3 मास पर्यंत बेरोजगारी भत्ता टंका दियाजिव। परवर्ती खबर, गणेश पूजा रे स्कूल जिबेनी छात्र छात्री, घरे रही पूजा करिबाको गणशिक्षा मंत्री को परामर्श। सूचना अनुसार चलित बर्ष स्कूल रे गणेश पूजा रे छात्र छात्री जोगदेवे नहीं, घरे रही गणेश पूजा करिबाको विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास सूचना देइछंती। स्कूल रे किभली पूजा हब ताहा शिक्षक शिक्षयित्री बुझिबे बोली मंत्री कहिछंती। घरे रही छात्र छात्री पूजा करिबाको मंत्री मध्य परामर्श देइछंती, कारण किछि दिन होलाणी स्कूल कॉलेज बंद रहिछि, सेथिपई केबे स्कूल खोलिब से नै मध्य सरकार विधिवद्ध आबे घोषणा करि पारुनाहंती। परवर्ती खबर, 26,64,000 करदाता को मिलिला 88,652 कोटी टंकार इनकम टैक्स रिफंड। सूचना अनुसार आयकर विभाग बहुत बड़ खुशी खबर देछि। विभाग चलित आर्थिक वर्ष रे 26 लक्ष रु अधिक करदाता को 88,652 कोटी टंकार अधिक रिफंड जारी करिछि। एथिरु 23,05,000 करदाता को 28,180 कोटी टंकार व्यक्तिगत आयकर वर्तमान सुधा जारी करा जाइथिबा बेले अन्य 1,58,000 रु अधिक करदाता को पाई 60,472 कोटी टंकार कॉर्पोरेट टैक्स जारी करा जाइछि। जीरो परवर्ती खबर, रेल यात्री को पाई बहुत बड़ दुख खबर, प्लेटफॉर्म टिकट दाम बढ़िला 50 टंका। सूचना अनुसार रेल यात्री को लागिछि बड़ झटका, एणिकि प्लेटफॉर्म टिकट पाई लोक को 10 टंका नुहे 50 टंका गणिबा को पड़िब। कोरोना कटकणा भिड़ कमेबा को जाई रेल मंत्रालय पक्षर एभली निष्पत्ति निया जाइछि। पूर्वरु लोक माने केवल 10 टंका देई प्लेटफॉर्म टिकट किणी पारथिले, हेले एबे सेथिपई सेमानकु 50 टंका दबाकु पड़िबो। कोरोना काल रे लोकमाने जेपरि अयोध्या रे रेल स्टेशन रे आसी गहळी न करंती, सेथिपई एभळी निष्पत्ति निया जाइछि। जदि आपण रेल स्टेशन रे प्लेटफॉर्म टिकट काटुचंती ताहाला आपणकु 50 टंका देबे। 2 घंटा पर्यंत आपण स्टेशन भितरे रहि पारिबे, 2 घंटा रु अधिक समय रहिले आपणक उपरे फाइन लागू करा जिवो। आजिर परवर्ती खबर, ओडिया धाविका दुति चांद को मिलिबो अर्जुन पुरस्कार, घोषणा कले केन्द्र क्रीड़ा मंत्रालय। सूचना अनुसार ओडिशा पाई आउ एक गौरवर खबर, ओडिया धाविका दुति चांद को मिलिबो अर्जुन पुरस्कार। केन्द्र क्रीड़ा मंत्रालय तरफर एने घोषणा करा जाइछि। पूर्वरु अर्जुन पुरस्कार पाई आथलीट दुति चांद को ना सुपारिश करा जाइथिला, जहा उपरे आज क्रीड़ा मंत्रालय तरफर मोहर मार दिया जाइछि। चलित वर्ष 27 जन को एही सार्वजनिक अर्जुन पुरस्कार प्रदान करा जीव बोली सूचना आसीछि। जीर परवर्ती खबर, प्रवासी मानक पई 16,000 कोटी टंका विनियोग। सूचना अनुसार केन्द्र सरकार पक्षर आरंभ होइतिबा गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान रे वर्तमान सुधा 16,786 कोटी टंकार पूंजी विनियोग करा जाइछि। घर को फेरिथिबा प्रवासी श्रमिक मानकु रोजगार देबा लागि 6 राज्यर एही योजना को आरंभ करिछंती। एथि मध्यरु ओडिशा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश रे समस्त लोकंकु वर्तमान गरीब कल्याण रोजगार योजना रे काम जोगाई दिया जाउछि। आपण काम पाइछंती ना नाही कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। जीरो परवर्ती खबर, 16 जिला को मिलिब ब्रॉडबैंड रो हाई स्पीड डाटा। सूचना अनुसार राज्य रो दुर्गम अंचल रे सरकारी योजना रो लाभ पहुंचाइब डिजिटल इंडिया। लक्षाधिक ओडिया को जीवन को परिवर्तन करिब एने डिजिटल इंडिया पक्षर अपडेट आसी जाइछि। राज्य रो 18 माओ प्रवण अंचल रे 483 मोबाइल टावर हब, 16 जिला रे 3291 पंचायत को ब्रॉडबैंड रो हाई स्पीड डाटा मिलिब। एने केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान सुधा बड़ अपडेट देइछंती। परवर्ती खबर, पुणी थरे घुंची पारे नीट ओ जेई रो परीक्षा द्वंद्वरे देशर लक्षाधिक परीक्षार्थी। सूचना अनुसार नीट ओ जेई रो मेन परीक्षा उपरे आसीछि बड़ खबर। देशरे कोरोना भूताणु संक्रमण बढ़ुतिबा मामला उपरे विद्यार्थीक सहित अभिभावक मध्य संप्रदिनक परिस्थितिकु दृष्टि रखी
ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ଓ ଜେଇର ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଶର ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନେଇ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ କରୋନା ଟୀକା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ବଜାରରେ ମିଳିବ କରୋନା ଟୀକା। ରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିକାଇଲ ମୁରସ୍କ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟୀକା ବଜାରରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନେଇପାରିବେ। ରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଟୀକାକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁଷର ପ୍ରାୟ 20% ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ୱତଃ କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ରୁଷରେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆ ଟୀକା ଆସିପାରିବ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷରେ ହେବନି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ବିହାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୟାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ନାହିଁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଣ୍ଡା ସମାଜ ଆପତ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ନିଜ ପୂଜକଙ୍କୁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇ ପିତୃପକ୍ଷର ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷରେ ହେବନି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା କାଳରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହିସବୁ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମିଶନର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ କେବଳ 5 ଜଣ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରିବେ। ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦେୟ ଟଙ୍କା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଭରିବେ। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମିଟିଂ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୋନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅନେକ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ରେ 7ରୁ ଅଧିକ କାଉଣ୍ଟିଂ ଡେସ୍କ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 3ରୁ 4ଟି ହଲ୍ରେ 1 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାନିଟାଇଜର, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଫେସ୍ ସିଲ୍ଡ ମାସ୍କ ସହିତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କମିଶନରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଲୋକ, କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଫିସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ ସୁନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମାଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଆମାଜନ୍ ପେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଅଫର୍ ନାମ ରହୁଛି ଗୋଲ୍ଡ ଭାଲ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫର୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଜିଟାଲରେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ଆମାଜନ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଅଫର୍ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଘଟିବ ଅନ୍ତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ତାଜମହଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଜମହଲ, ଅନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ, ସ୍ମାରକୀ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସରୁ ତାଜମହଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ତାଜମହଲ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମାସ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବାକୁ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ କଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ
तेलंगाना हाइड्रो पावर प्लांट अग्निकाण्ड रे मृत्यु संख्या 9 को वृद्धि पाई एही दुखद घटना रे शोक प्रकाश करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मृतकों मध्य तेलंगानार शक्ति विभाग 7 जन कर्मी रही बेले अमर राज्यर बैटेरी कंपानी 2 जन कर्मी अछंती। अग्निकाण्ड समय कार्यालय 19 जन कर्मचारी थिबा बेले 10 जन बाहर जिबाकु सक्षम होइथिले। सेही 10 जन मध्यरु 8 जन आहत होइथिबा बेले 2 जन अवस्था रे गुरुतर होइछंती। उभय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एही घटना रे शोक व्यक्त करबा सहित आहत मानकु आशु आरोग्य कामना करिसेंती। आजिर परवर्ती खबर गंजाम रे टार्गेट मिशन 0 आक्टिव केस। जिल्ला रे वर्तमान सुस्थ हार 87% बढ़िछि बदलिछि दुकान बाजार खोलिबार समय। सूचना अनुसार गंजाम जिल्ला रे कोहल हब कोविड कटकणा। सकाळ 5:00 राति 8:00 जाए दुकान बाजार खोला रहिबो बोली सांबादिक सम्मेलन रे सूचना देइछन्ती ब्रह्मपुर बीएमसी कमिश्नर। से हीपरि जिले में 0 एक्टिव केस लक्ष्य रखा जाइछि बोली सांबादिक सम्मेलन रे मध्य जिलापाल विजय अमृत कुल्लांगे अपडेट देइछन्ती। ब्रह्मपुर बीएमसी कमिश्नर कहिछन्ती गंजाम जिले में कोरोना कटकणा कोहल करा जिबो। सोमवार शुक्रवार जाए कटकणारे कोहल हब। दिन सकाळ 5:00 राति 8:00 जाए दुकान बाजार एणिकी खोला रही पारिबो। जदि आपनको न्यूज टी भल लागिछि आपनको मतामत निश्चय देबे। वीडियो को लाइक करी समस्त पाखनको शेयर करंतु। समस्ते मॉर्निंग रो न्यूज सबु अपडेट पाई पारिबे।